हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। मैं हूं डॉक्टर प्रीति गर्ग। आज हम बात करने वाले हैं अकलदार या विजडम टूथ के बारे में। अकलदार क्या होती है, ये किस एज में हमको आती है, ये क्या क्या प्रॉब्लम करती है, ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों करती है कि हमको इसे निकलवाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अकलदार क्या होती है? तीन मोलर्स होते हैं हमारे मुंह में, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। तो जो थर्ड मोलर है उसे कहते हैं अकलदार। दो ऊपर में, लास्ट में, नीचे में भी लास्ट में, तो ये चार होती हैं। अब इसका नाम अकलदार क्यों पड़ा? ये उस एज में आती है जब इंसान मच्योर होता है, जब उसको मच्योरिटी आती है, मतलब 16 से 18 साल में इसका आना शुरू होता है। किसी किसी में ये 16 साल में देखने को मिलती है और लगभग 25 साल तक ये मुंह में आ जाती है। तो अकलदार का अकल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये इस एज में आती है कि हम अकलमंद हो जाते हैं, उस टाइम हम मच्योर हो जाते हैं। अब ये कितने तरह की होती है? ये फोर टाइप्स की होती है, ये चार तरह की होती है। पार्शियली इरप्टेड हो सकती है, मतलब कि ये हर लेवल के दांत से नीचे है। देखिए इस पिक्चर में कैसे दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली इरप्टेड। दूसरी होती है वर्टिकल, ये सीधी आ रही है। तीसरा होता है एंगुलर, ये एंगल में आ रही है, सीधा ना आके एंगल में आ रही है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये बैठी हुई है। ये देखिए इस पिक्चर में देखिए, ये चार तरह के इरप्शन हो गए। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ये देखते हैं। तो जब भी अकलदार आती है तो पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग होगा, मसूड़ा फूला हुआ रहेगा, कई बार वहां पे पस बन जाता है, मुंह से बदबू आती है, छाला भी हो जाता है। इसके अलावा आपको रेफर्ड पेन होगा, मतलब दांत के दर्द की वजह से आपको ये ऊपर की तरफ रेडिएट होगा और आपको हेडेक होगा, ईयर एक होगा। और अगर यहाँ पे कई बार गिल्टी बन जाती है, लिम्फेडेनाइटिस, जैसे अगर ये इन्फेक्टेड हो जाता है, आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखा उस टाइम पे, तो इसमें लिम्फेडेनाइटिस हो जाता है, जिसे गिल्टी बनना कहते हैं आम भाषा में। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें अकलदार की वजह से हो सकती हैं। अब क्या आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं कि ये हमें अकलदार का पेन है? तो अगर पेशेंट की एज 16 साल से अबव है तो अकलदार का पेन हो सकता है। प्लस उसका पेन का साइट, मतलब पेन कहाँ हो रहा है, अगर उसको चारों तरफ, जैसा मैंने बताया आपको, तो ये चार होती हैं अकलदार, दो ऊपर दो नीचे। इस जगह पे अगर आपको पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और बैड ओडर, इस तरह की जो समस्याएं जो वो हो रही हैं, तो ये अकलदार का पेन होता है। किन कंडीशंस में हमें दांत को निकलवा लेना चाहिए? पहली कंडीशन, अगर आपका दांत इस पोजीशन में आ रहा है, आपका जो एट है, ये आठवें नंबर का दांत कहलाता है, अकलदार जो है ये सातवें नंबर के दांत को प्रेशर लगाए, बहुत सीवियर प्रेशर लगाए, तो प्रेशर पेन, प्रेशर इंड्यूस्ड पेन, वो प्रेशर की वजह से आपका ओक्लूजन गड़बड़ा सकता है। दूसरा, इसका पोजीशन ऐसा है कि एक ट्रायंगुलर स्पेस बन जाता है, स्पेस में खाना फंसेगा। अगर फूड लॉजमेंट की कंप्लेन है तो खाना फंसेगा, तो ये दांत तो ऑलरेडी आपका खराब है। दूसरा, सेवन जो इसके पहले का जो दूसरे नंबर का जो दांत है उसको भी ये कैविटी कर सकता है, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर ये गाल में बार बार हमें छाला दे रहा है, अगर ये बार बार आपको इसकी वजह से छाला हो रहा है, तो आपको इसको निकलवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में हम इनको रख सकते हैं। तो पहली कंडीशन होती है अगर ये पार्शियली इरप्टेड है और ये बगल के दांत को प्रेशर नहीं दे रहा है और ना ही इसकी वजह से खाना फंस रहा है, तो हम एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है ऑपरक्यूलेक्टमी, वो कर देते हैं, ऊपर का जो मसूड़ा होता है उसको कट कर देते हैं, बहुत माइनर सर्जरी होती है और ये इरप्ट हो जाता है, पार्शियल इरप्शन से फुली इरप्टेड हो जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं करता और कई कंडीशन में ये च्यूइंग में भी हेल्प करने लगता है। दूसरा, अगर ये नॉर्मली इरप्टेड दांत है, अगर ये कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो आपको इसको निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको अकलदार रिलेटेड पेन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने चाहिए। कम से कम 30 सेकंड तक पानी को अपने मुंह में रखें। इसके अलावा आप कोल्ड मसाज भी दे सकते हैं, कोल्ड पैक, किसी कपड़े में या पॉलिथिन में आपको आइस क्यूब्स रखने हैं और मसाज करना है। इसके अलावा आप एक पेन किलर ले सकते हैं और इस टाइम आपको ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है, दोनों टाइम ब्रश करना है, मीठे और कड़े खाने से दूर रहना है, प्लीज अवॉइड हार्ड एंड शुगरी फूड्स। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको आराम ना हो तो आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, जहां वो आपका एक एक्सरे लेंगे
और डिसाइड करेंगे कि आपके टूथ का क्या पोजीशन है, क्या वो आपके एडजेसेंट टूथ को नुकसान पहुंचा रहा है या आपकी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं, तो सब चीजों को कंसिडर करके एक डिसीजन लिया जाएगा आपके और आपके डेंटिस्ट के द्वारा। जिस प्रोसीजर से हम थर्ड मोलर या विजडम टूथ को निकालते हैं उसे कहते हैं डिस इम्पैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ विजडम टूथ इज कॉल्ड डिस इम्पैक्शन। तो ये फाइनल ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद पेशेंट को आराम हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विजडम टूथ किन कंडीशंस में हमको रखना चाहिए और किन कंडीशंस में हमको निकलवा देना चाहिए। ये थी कुछ अक्कलदाड़ के बारे में जानकारियां। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रही होंगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, उन लोगों के साथ स्पेशली शेयर करिएगा जिन जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।